नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन का मुख्य रूप से विषय था कि गृह आवास योजना का लाभ अपने जनजाति भाइयों को नहीं मिल रहा है और उन्होंने सभी विषयों की फीस नियमित और नियमित रूप से महाविद्यालय को दिए और उन्होंने उनका लाभ दिया जाए। इस संबंध में जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल ने बताया कि यदि छात्र छात्राओं की मांग पूरी नहीं होती, जनजाति भाइयों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसका जवाबदार शासन एवं प्रशासन होगा। इसमें मुख्य रूप से जिला जनजाति प्रमुख अतुल सराठे जी, नगर कार्यालय मंत्री देव चौरसिया, आकाश पटेल, अनिमेश देशपांडे, अनिरुद्ध देशपांडे, रोहित वंशकार, सक्षम सरदार, नीरज साहू, प्रखर पुरोहित, हर्षित पटेल, आनंद साजिद खान, रुपेश पटेल, संजय विश्वकर्मा एवं समस्त छात्र छात्रा उपस्थित थे। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति महोदय जी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। महत्वपूर्ण विषय उसमें यह था कि गृह आवास योजना का जो लाभ है वो अपने जनजाति भाइयों को नहीं दिया जा रहा है, जनजाति भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनसे फीस पूरी ली गई और उन्हें उनकी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में कुलपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि यहाँ आप हमारी मांग पूरी नहीं करोगे, हमारी मांग उच्च शिक्षा विभाग तक नहीं पहुँचाओगे तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। इंद्रजीत पटेल, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।